कांग्रेस प्रदेश महासचिव रामलाल ठाकुर की अगुवाई में सर्किट हाउस बिलासपुर कांग्रेस महासचिव व विधायक रामलाल ठाकुर की अगुवाई में सर्किट हाउस बिलासपुर से लेकर जिलाधीश बिलासपुर के कार्यालय तक एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे लेकर जिला प्रशासन व प्रदेश भाजपा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। रामलाल ठाकुर ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि ज्ञापन देने से पूर्व ही SDM बिलासपुर व जिलाधीश जानबूझकर अपने कार्यालय से चोर दरवाजे से चले जाते हैं। बाद में उनकी अनुपस्थिति में AC के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा जाता है, जिसमें वर्णित किया गया है कि ग्राम पंचायत स्वाहन व ग्राम पंचायत तरवाड़ गोविंद सागर के किनारे स्थित पंचायतें हैं। भाखड़ा बांध के निर्माण से सबसे अधिक नुकसान इन्हीं पंचायतों के निवासियों को झेलना पड़ा था। इन दोनों पंचायतों के तकरीबन 95% आबादी भाखड़ा बांध विस्थापितों की है। ठेकेदार ने विभाग की मिलीभगत से पूर्व में हुए कार्यों की एवज में लाखों की फर्जी बिल पास करवाए हैं और विभाग ने आंखें मूंद कर राशि को स्वीकृत भी किया है, जबकि ठेकेदार ने स्वयं कोई भी कार्य नहीं किया है। रामलाल ठाकुर ने जिलाधीश बिलासपुर विवेक भाटिया पर भी आरोप लगाया है कि वे जिलाधीश के रूप में नहीं बल्कि भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और कांग्रेसी विचारधारा के कर्मचारियों को प्रताड़ित कर उनका तबादला कर रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने जिलाधीश बिलासपुर को 15 दिन से लेकर 1 महीने का समय दिया है कि स्वाहन क्रेडिट पनवान संपर्क मार्ग के निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस निर्माण कार्य का नियमानुसार अवलोकन किया जाए और मार्च माह में हुए राज्य स्तरीय मेले में हेलीकॉप्टर उड़ान में बरती गई अनियमितताओं के बारे में स्पष्टीकरण दे, अन्यथा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से जिलाधीश बिलासपुर मामले में दर्ज करवाए जाएंगे। फोर लेन का काम जो है वो जो 2009 में शुरू हुआ था वो आज 2018 भी अंतिम चरण में आ रहा है। काम बंद पड़ा है, 2 सालों से ठेकेदार भाग गए हैं, कंपनी भाग गई है। सरकार जो है वो 71 नेशनल हाईवे बनाने की बात कर रही है, लेकिन ये जो हमारा 4 लेन का काम है वो आज बंद पड़ा है। ये भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है। आज मैं कहना चाहूंगा जितने भी मनाली कुल्लू या हमारे जो यहाँ पे लाहौल स्पीति के जो किसान हैं, जो फसलें यहाँ से जा रही हैं, पर्यटक